बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नरेंद्र मोदी हैं। ये विचार ब्रिटेन में रहने वाले आम प्रवासी भारतीय मूल के नागरिकों के हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वैचारिक समानता दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाई है। दोनों ही नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर नेता हैं, लेकिन मोदी जी के अलग ही रंग हैं और लाख समानताओं के बाद भी दोनों काफी अलहदा हैं। जॉनसन ने अपनी पार्टी को 25 सालों में पहली बार जबरदस्त जीत दिलाई है। बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल को लुभाने की काफी कोशिशें की हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन की राजनीति में भी भारतीय समुदाय की अहमियत से वाकिफ हैं। बोरिस जॉनसन की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। साथ ही लेबर पार्टी की भी 7 उम्मीदवार जीते हैं। ये तगड़े चुनावी नतीजे ब्रेग्जिट के वादे पर मिले। कंजर्वेटिव पार्टी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को तुरंत बाहर ले जाएगी। ब्रिटेन को भारतीय मूल के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने बुधवार की रात को कहा कि ब्रिटेन अगले महीने यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रिटेन किसी भी देश के साथ अपने संबंध अपनी तरह से बनाने के लिए आजाद होगा। लेकिन विश्लेषक कहते हैं ये अलहदगी आसान नहीं होगी। मैनचेस्टर के लेबर पार्टी के एक समर्थक के अनुसार ये अलहदगी उसी तरह की होगी जिस तरह सालों तक चलने वाली शादी के बाद तलाकशुदा जोड़े की होती है। तलाक के बाद तन्हाई का एहसास दोनों को होगा। ब्रिटेन को नए दोस्तों की तलाश होगी और उसकी फहरिस्त में सबसे ऊपर भारत और अमेरिका ही होंगे, जो पूरी दुनिया के तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों को बदलने वाला होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी पक्ष और विपक्ष मिलकर जीते 15 सांसदों में से कितने सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और किन नीतियों पर चलेगा ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद। नेशन वन से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।